हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक स्टूडेंट जब तैयारी करना शुरू करता है तो उसके सामने एक उद्देश्य होता है कि हाँ, उसे एक नौकरी लेनी है, अपनी जिंदगी बनानी है। लेकिन क्या होता है ना कि जब बहुत देर होने लगती है तो मन तो अंदर से बहुत ही घबराहट मन में रहती है कि अब क्या होगा, क्या होगा, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं। ये सारी चीजें एक स्टूडेंट के मन में चलती है और वो स्टूडेंट इतना जरूरतमंद होता है ना जॉब के लिए कि उसके सामने कोई भी वैकेंसी जब आती है तो उसको यही लगता है कि मुझे ये फॉर्म फिल करना चाहिए। अगर मैं एलिजिबल हूँ तो मुझे ये फॉर्म फिल करना चाहिए। आप लोगों के सामने भी ये दिक्कत आ रही होगी। अब करना क्या चाहिए, समझदारी किस चीज में है? मेरे पास ऐसे प्रश्न आते हैं कि दीदी, क्या मैं नेट जीआरएफ की तैयारी करूँ या मैं इसकी और तैयारी कर सकती हूँ? टीजीटी पीजीटी के साथ क्या मैं इस चीज की तैयारी कर सकती हूँ? बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आते हैं तो मैं इस विषय पे आज बात कर रही हूँ। ये एक बहुत ही मतलब कह तो रहे कि सामान्य सी चीज है कि मेरे सामने भी ऐसा था कि यही लगता था कहीं हो जाए, यही लगता था कहीं हो जाए। और इसी चक्कर में ना जानते हैं क्या होता है ना, जब कहीं हो जाए के चक्कर में ऐसा होता कि कहीं नहीं होता है। ये जान लीजिए, थोड़ा सा ये बात आप लोगों को अजीब तो लगेगी कि भाई जब हमको जरूरत है तो हमको सारी वैकेंसी पे फोकस करना चाहिए। लेकिन मैं बताऊं कि ये गलती होती है एक स्टूडेंट की कि वो सारे वैकेंसी पे जब फोकस करता है ना तो वो कहीं का नहीं रहता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। जब मैंने एक चीज पर फोकस किया ना, एक चीज को, मैंने कोई वैकेंसी देखी, पीजीटी भी मैंने डाला था, चाहती तो मैं दूसरा सब्जेक्ट था मेरा सोशियोलॉजी से एमए था, मैं चाहती तो डाल सकती थी लेकिन मैंने नहीं किया था क्योंकि मुझे हिंदी से ही आगे लेकर चलना था और हिंदी से मेरा एमए था नहीं उस टाइम में, अब तो मैं कर रही हूँ। तो लेकिन मैं दूसरा चीज पे हाथ इसलिए नहीं रखी कि मुझे कोई रिस्क नहीं लेना था। मैं जानती थी कि मैं एक बार में एक चीज कर लूं वही जाते हैं। लेकिन जो बात आप लोग ये कहते हैं कि क्या नेट जीआरएफ की कर लें या अपना जो भी पोस्ट आपने मतलब चुना है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उससे ऊपर कुछ सोचते हैं जाने के लिए, तो मैं एक चीज कहूंगी कि बिल्कुल भी करिए। आप लोग फॉर्म डालिए नेट जीआरएफ, अगर आप करना चाहते हैं, उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी तैयारी आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत कुछ ऐसा होगा कि मतलब जो आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आप ऐसा मत सोचिए कि आप उसकी भी तैयारी, उसको दिमाग में लेके मत चलिए। आप फॉर्म भरिए और तैयारी एक चीज की करिए, हाँ उसका भी सिलेबस ध्यान में रखिए। जब एग्जाम नजदीक आने लगेगा, मान लीजिए अभी आपके टीजी पीजी कुछ पता नहीं है कि कब होगा, हाँ नेट जीआरएफ को मान लीजिए सामने आ गया कि हाँ इसका एक हफ्ते में कंफर्म हो जाएगा, तो एक हफ्ते पहले 10 दिन पहले उसका सिलेबस उठाइए, देखिए क्या नई चीजें हैं उसको देखिए। लेकिन मैं ये कहती हूँ ना कि अगर आप अपना सिलेबस बहुत अच्छे से तैयार करते हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी हाई लेवल का एग्जाम है आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, अब ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब आप हाई लेवल के प्रश्न, मैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर की भी बात कर रही हूँ जो टेस्ट आप देते हैं, उसमें जब आप हाई लेवल के मतलब अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मतलब जो हाई लेवल के प्रश्न आप हल करते हैं, उसकी व्याख्या देखते हैं, चारों जो ऑप्शन है उसके बारे में जानते हैं, तो आपका जो उसके नीचे स्तर का जो एग्जाम है ना, जैसे टीजी पीटी है और बीएलटी ग्रेड का ले लीजिए और भी बाकी चीजें हैं, तो वो अपने आप आपकी तैयार हो जाती हैं। बहुत ही फायदेमंद होता है ये। तो इसीलिए आप, मैं ये कहूंगी ना कि जो आपका सिलेबस है उसके इर्द गिर्द जो चीजें हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, उससे संबंधित कोई भी फॉर्म आता है तो आप फिल करिए और हमेशा हाई लेवल के एग्जाम दीजिए, अपने सब्जेक्ट से संबंधित हाई लेवल के एग्जाम दीजिए। और ये नहीं कि उसका प्रिपरेशन आप अलग से करेंगे, आपकी प्रिपरेशन हो रही है ऑलरेडी, आप पीजीटी पीजीटी का ही इतना आप जो आप तैयारी कर रहे हैं ना उसके हाई, इसका लेवल हाई करिए, इसको हल्के मत लीजिए। इस टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम है या एलटी जो भी आप तैयार कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अरे ये तो मतलब माध्यमिक का है तो हाई लेवल का नहीं है, नहीं, इसी को आप हाई लेवल के स्तर से तैयार करिए। तो जब आपका उच्च स्तर का तैयार रहेगा ना, तो ये जो आपका मतलब माध्यमिक वाला है या इससे भी निम्न स्तर का है, तो आराम से वो निकल जाएगा। तो बस यही समझदारी है। और एक स्टूडेंट को ध्यान रखिएगा, हमेशा कभी भी 10 चीज पर फोकस नहीं करना है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड हाँ वैकेंसी आती है फॉर्म फिल करिए, उस चीज की तैयारी नहीं करनी है। आप इसे ना हम लोग क्या है ना कि इसकी तैयारी करेंगे इसका, अरे नहीं आप अपना सब्जेक्ट तैयार करिए। अब उस विषय को अगर आपका विषय तैयार है तो कोई भी फॉर्म आएगा हम भरेंगे और उसमें आपका निकल सकता है। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि उसका सबका सिलेबस अलग अलग एकदम होता है, थोड़ी बहुत चीजें बस अंतर होता है। तो ये चीज समझदारी से करिए, एकदम विपरीत चीज मत करिए। जैसे मान लीजिए आप हिंदी से तैयार कर रहे हैं तो आप ये कहिए अंग्रेजी से तैयार करो, ये चीज करो ना, एकदम विपरीत चीज मत करिए। अगर कर रहे हैं तो इसी से इसी में रमे रहिए, अपने सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमिए, तब जाके समझिए कि आप एक मतलब आपका नींव जो है ना वो मजबूत होता है, बेस मजबूत होता है और आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल भी, और हमेशा ये समझदारी भी है कि हाई लेवल के प्रश्न आप हल करिए और हाई लेवल के एग्जाम भी दीजिए, हाई अपना टीजीटी पीजीटी का स्तर ऊंचा रखिए,
इसमें ही हाई लेवल की तैयारी आप करिए तो आपका आराम से निकल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और समझदारी से काम करिए, बिल्कुल निकलेगा। बस लोगों की बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है, फिलहाल आपको एक ही समझदारी करनी है परीक्षा की, जब तक तैयारी कर रहे हैं एक समझदारी करनी कि लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना कि कौन लोग मेरे इर्द गिर्द मुझे क्या कह रहे हैं। आपको एकदम स्वार्थी बन के अपना काम करना है, स्वार्थी अभी तक बहुत दूसरों का कर चुके, अब अपने बारे में सोचने का टाइम है। और एक लाइन याद रखिएगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये लाइन बहुत ही मोटिवेट करती है। जब भी आप दुखी होते हैं, आपको लगता है कि उसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने ऐसा क्यों कह दिया, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, तो बस एक ही लाइन याद कर लीजिए कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।